बिल्कुल बॉक्स पैक्स है, कैसेट टेप टू MP3 कन्वर्टर, इसमें ये साथ ही इसके ईयरफोन्स आए हैं, ये इसकी केबल आती है जिसके ऊपर से आप इसको पावर सप्लाई भी दे सकते हैं, और ये इसी पैकिंग के अंदर ये प्लेयर है, साथ ये 2 GB की हमारी तरफ से कंप्लीमेंट्री USB है, और ये इसके अंदर इसका मैनुअल मौजूद है। मैं इसकी USB केबल आपको दिखाता हूँ, वो एक स्पेशल USB केबल है जिसके ऊपर एक तरफ से आप, मैं ये खोल के दिखाता हूँ आपको जी। तो ये इसकी स्पेशल USB केबल है जिसके ऊपर एक तरफ से ये USB इसको कनेक्ट हो जाएगा, दूसरी तरफ से ये पावर बैंक में लग जाएगा और इसके अंदर USB लग जाएगी। लेकिन अगर आप इसको सेलों पर चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके अंदर 2 सेल डल जाएंगे और यहाँ सीधी USB यहाँ पर प्लग कर दें, ठीक हो गया जी। ये इसका वॉल्यूम है, यहाँ इसका हेडफोन लग जाएगा, और इसका जो मैनुअल है उसके अंदर ये दिखाया हुआ तरीका कि अगर आप इसको पावर बैंक से चलाना चाहते हैं तो एक तरफ से पावर बैंक में लगा दें, इधर USB लग जाएगी और ये अंदर लग जाएगा, ठीक है। वो बड़ा इजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन अगर आप सेलों पर चलाना चाहें तो इधर सिंपल सेल डाल दें, सेलों पर भी चल जाएगा। फिर इसके अंदर ये ऊपर लिखा हुआ है USB, इस बटन को USB पे रहने दें, ठीक हो गया, ताकि USB में रिकॉर्डिंग हो, और ये रिकॉर्ड वाला बटन है। अब इसमें ना कोई मैनुअल और ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग मोड्स हैं, वो आप इसमें पढ़ लीजिएगा कि उसको कैसे मैनुअल मोड में और कैसे ऑटोमेटिक मोड में करना है। हम इसको चला कर देखते हैं, ठीक है। मेरे पास ये कुछ गानों की कैसेट्स हैं, मैं इसमें ये डालकर, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कैसेट प्ले कर रहा है, इसकी ऑक्स केबल लगा कर, वो ये ईयरफोन लगा कर, फिर हम इसको USB में कॉपी करके देखते हैं कंप्यूटर में वो आता ही नहीं आता। वैसे ये USB में कॉपी करके ना ख़ुद भी प्ले कर लेता है, मतलब ये USB से MP3 जो भी फाइल बनेगी उसको प्ले भी करना जानता है। तो उसके लिए ये मैनुअल के ऊपर लिखा हुआ है प्लेबैक कि द डिवाइस विल प्ले द फंक्शन, उसके लिए USB लगा कर तो प्ले का बटन दबा दें। तो हम सबसे पहले कैसेट प्ले करके देखते हैं कि कैसेट कैसी प्ले कर रहा है। ये मैं आपको ये दिखा दूँ, इसको अगर मैं ओपन करूँ तो ये इसके अंदर कोई ब्रेकेज नहीं है, ठीक है। ये इसके लॉक्स वगैरह बिल्कुल ठीक हैं, और आराम से इसके अंदर हम ये इस तरह से कैसेट डाल देते हैं। तो एक लॉक ऊपर है, दूसरा लॉक उधर है, और ये कैसेट डल गई इसमें, ठीक हो गया जनाब। यहाँ से ये कैसेट शो हो रही है, तो मैं इसकी केबल इसको लगा लेता हूँ, यहाँ से ये केबल USB में लग जाएगी, और मेरे पास पावर बैंक मौजूद है। अच्छा जी, मैंने इसको USB केबल इधर लगा दी है क्योंकि मेरे पास पावर बैंक है, मैं इसको पावर बैंक से चलाऊँगा। ईयरफोन लगा दिए, कैसेट डली हुई है, हम इसको पावर देते हैं, अभी हम USB नहीं यूज़ करें, सिर्फ कैसेट चला कर देखते हैं। इसको ऑन करते हैं पावर बैंक को, तो जी ऑन हो गया, ठीक हो गया। अब मैं प्ले का बटन दबाता हूँ, ये प्ले होना शुरू हो गया, और दोनों ईयरफोन्स में आवाज़ आ रही है, ठीक हो गया जी, दोनों चल रहे हैं। इसके साथ ही मुनासिब से क्वालिटी के ईयरफोन आते हैं बस, लेकिन ये है कि वैसे ओवरऑल डिवाइस अच्छी है। स्टॉप करके देख लेते हैं, ये स्टॉप हो गया, फॉरवर्ड फॉरवर्ड कर रहा है, रिवर्स रिवर्स कर रहा है, दोबारा प्ले करें प्ले कर रहा है, ठीक हो गया जी। अब हम यूँ करते हैं, इसको करते हैं स्टॉप, इस पे लगाते हैं USB, या यूँ करते हैं कि पहले इसको करते हैं बंद, पहले USB लगाते हैं फिर इसको दोबारा ऑन करते हैं, ठीक है जी। तो ये मैंने इसमें लगा दी USB, ये इसमें मैंने USB लगा दी। ये USB हमारी लैब की तरफ से, कंपनी की तरफ से कंप्लीमेंट्री होती है, इसके साथ नहीं आती है, हम अपने कस्टमर्स को ये गिफ्ट देते हैं, ठीक हो गया। इसको लगाते हैं इसके अंदर, ये इसको मैंने ऑन कर दिया, ठीक हो गया। अब हम रिकॉर्ड प्ले करते हैं, साथ ही रिकॉर्ड का बटन दबा देते हैं, तो इसने कहा है कि व्हेन द कैसेट प्लेइंग एंड USB फ्लैश इज कनेक्टेड एंड डिवाइस अंडरस्टैंड बाय मोड इंडिकेटर कीप ऑन द कलर ऑफ द इंडिकेशन ग्रीन शोज इट इज ग्रीन, अगर कलर होगा तो इट इज एट मैनुअल मोड रिकॉर्डिंग बटन MP3 विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग, व्हेन द ग्रीन इंडिकेटर विल बी क्विकली फ्लैशिंग इट मींस नॉट रिकॉर्डिंग
Replug your USB. Press the recording button again to stop recording and save an MD file to USB flash. ठीक हो गया जी, वो कह रहा है कि अगर वो क्विक फ्लैशिंग कर रही होगी तो इसका मतलब रिकॉर्ड कर रही है, ठीक है ना। अगर वो क्विक फ्लैशिंग नहीं कर रही होगी तो इसका मतलब अब रिकॉर्ड नहीं कर रही, तो ये क्विक फ्लैश कर रही है। ऑटो मोड का मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैनुअल मोड में यही है कि आपने इसको थोड़ी देर दबा के रखना है। अब ये मेरे ख्याल में USB में रिकॉर्ड कर रहा है, मैं इसको दोबारा ये रिकॉर्ड वाला बटन बंद दबा के रखूँगा, ये बंद हो गया। इसका मतलब है गाना रिकॉर्ड करना बंद हो गया। दोबारा करने के लिए ये मैंने इसे दबाया तो ये दोबारा रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक हो गया जी, फिर दबाता हूँ मैं। अब मैं इसको प्ले मोड में था, ठीक है, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। अब हम अपनी USB को नहीं निकालता, मैं पहले मैं इसकी पावर बंद कर दी। इसको हम कंप्यूटर में लगा के देखते हैं कि इसमें कोई फाइलें बनी हैं या नहीं बनी हैं, और फिर मेरा ख्याल है यहाँ पहले हम इसी में प्ले करके ना देख लें कि कुछ इसमें है या नहीं है। तो इसमें से केसर निकाल लेते हैं हम। ये मैंने इसमें से केसर निकाल दी। USB जो है मैं इसके अंदर ही लगा लेता हूँ। ये केसर निकाल के मैंने USB इधर लगा दी। अब इसको हम ऑन करते हैं, ठीक है जी। पावर बैंक ऑन किया, लाइट आ गई। प्ले का बटन दबाता मैं इधर से, तो ये प्ले होना शुरू हो गया, ठीक है जी। केसर बाहर है, USB से प्ले हो रहा है, और अगला गाना करने के लिए इसमें कोई बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट सॉन्ग के लिए अपर और नीचे वाले बटन है, और ये वॉल्यूम है। ये वाला वॉल्यूम कैसेट का है, ये वाले वॉल्यूम USB के प्लेयर के हैं। तो चलिए इसे कंप्यूटर में देखते हैं कि इसने जो दो फाइलें बनाई हैं वो कैसी हैं। ठीक हो गया, मैं पॉज करके इसको लैपटॉप पे लगाता हूँ। ये USB मैंने कंप्यूटर लैपटॉप पे लगाई है, और USB के अंदर ये देखें टेप MP3 के नाम का खुद ही फोल्डर उसने बनाया है प्लेयर ने, और इसके अंदर ये दो फाइलें MP3 की। ठीक हो गया जी, इसको प्ले करते हैं अगर हम। ठीक हो गया, इंग्लिश गाने की पुरानी अच्छी हुई है, और दूसरी फाइल ये बनाई है इसने, और इसकी जो मैं हम आपको USB दे रहे हैं ये इसकी स्पेस यहाँ पे शो हो रही है, देख लें। तो ये जी 1.87 GB इसकी कैपेसिटी है। ठीक हो गया जी, थैंक यू वेरी मच।